जाते हैं तो क्या होता है उनका एकेडमिक रह जाता है, फिजिकल से वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हर जगह। जब फिर बच्चों की क्या शिकायत होती है, हमें खुला ग्राउंड नहीं मिलता है, हमें प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलती है कि भाई आर्मी के लिए क्या क्या। आप बच्चों को ट्रेन किया जाएगा कि आप उन एग्जाम्स को पास कर सको। तो जैसा अभी आप सभी को पता है इस वक्त स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 45,000 के करीब वैकेंसीज निकाली थी, उसमें हमारे सेंटर के काफी बच्चों ने अप्लाई कर दिया। ये डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम डाइट सांबा के नाम से जानते हैं, ये प्रोग्राम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी ब्लॉक्स में, जितने वीडियो ब्लॉक्स हैं सभी में हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर हम 70 बच्चे पर ब्लॉक उनको हम ट्रेनिंग देंगे, फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग उनको दी जाएगी फॉर एंट्री इन टू द आर्मर्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है इनको बच्चों को हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाएंगे, इनको एकेडमिक कोचिंग भी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड स्टाफ जो है वो रिक्रूट किया है। और ना केवल बच्चों को आर्मर्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि उनको जो बाकी उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो है ना बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ताकि वो नशे से दूर रहें, ताकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ना उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो प्रॉपर वे में हो सके। हमारे पास इस वक्त 500 से ज़्यादा बच्चों ने इस प्रोग्राम में अपने को रजिस्टर किया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल होगा, बच्चे हाँ उनको फ़ायदा मिलेगा। सर पहले तो गवर्नमेंट का बहुत थैंक्स, क्योंकि गर्ल्स के लिए कहाँ इतनी फैसिलिटीज़ है, अगर है भी तो पेरेंट्स जाने नहीं देते। एक तो ये हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे ब्लॉक्स में भी खुल रहा है, जैसे कि मैं जाक की लोकल हूँ तो ये जाक में खुला, तो हमारे पेरेंट्स अलो कर सकते हैं, क्योंकि 6 बजे अंधेरा होता है, अगर कहीं और जाना हो या कुछ भी करना हो, कई बार तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो पे है बाकी इंस्टीट्यूट की। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें हमें फ्री में फिजिकल और मतलब कोचिंग जो भी है आर्मी में या डिफेंस में जो भी काम आएगी वो हमें पहले ही पता होगी, और जो हम प्राइवेट जाकर पे मतलब पे कर कर सीखेंगे वो हमें फ्री मिल रहा है, वो भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए गवर्नमेंट का थैंक यू, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सुबह 8 बजे तक तो सोए रहते हैं, इसकी वजह से हम फिज़िकली भी ट्रेन होंगे, मेंटली भी शार्प होंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट सुबह अच्छा होता है, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत हेल्दी है ये सब कुछ। और मैं चाहती हूँ कि और से और लोग ये ज्वाइन करें, जैसे कि 18 to 30 जो भी एज होती है वो क्या ही करती है सुबह, कॉलेज स्कूल ये तो 10 बजे ही होते हैं, उससे पहले हम ये सब कर सकते हैं, एक तो हम मेंटली शार्प रहेंगे और फिजिकली भी ठीक रहेंगे। यस सर, का बहुत फ़ायदा मिलेगा सर, जैसे हमें अपने भाई अमित जी हैं हमारे, उनके थ्रू हमें पता चला कि ये DYT करके कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम चली है, जिसके थ्रू हमें फ्री वो जो कोचिंग वगैरह मिलेगी, अकेडमिक्स की भी और ग्राउंड की भी फिजिकल कोचिंग मिलेगी। तो इसका ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारे DC साहब हैं उन्होंने, जो मैम हैं उन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी लोग हैं जिनको हेल्प मिलेगी इसके थ्रू, जो हेल्प मिलेगी बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे, जैसे आजकल कोचिंग वगैरह लेनी हो बाहर 10-10, 20-20 हज़ार देना पड़ता है बच्चों को, और यहाँ पे फ्री कोचिंग मिलेगी, इवन रिफ्रेशमेंट्स भी मिलेंगी बच्चों को। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, हम सब बहुत खुश हैं, और हम चाहते हैं कि हाँ ऐसे प्रोग्राम आते रहें और बच्चों को फ़ायदा मिलता रहे और बच्चे आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें।
हाँ 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 वो तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब जो लोग नशे वगैरह की तरफ जा रहे हैं, एक अलग उनको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म कि हाँ ये बिजी रहेंगे, शेड्यूल बिजी रहेगा बच्चों का, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, फिजिकल करें, फिट रहें, दैट्स ऑल।